नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हम सभी कर रहे थे इंतज़ार। जी हाँ, EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षाओं में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, जिसके संबंध में मैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आई थी, लाइव सेशंस लेकर आई थी, आज वह आपके भरे गए फॉर्म्स का रिजल्ट निकलना है। आज पता चल जाएगा उन बच्चों के नाम जिनका दाखिला दूसरी से नौवीं कक्षाओं में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु सिलेक्ट हुआ है, चयनित हुआ है। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दूसरी से आठवीं कक्षा तक जितने भी बच्चों का नाम लिस्ट में आएगा, उन सभी बच्चों को ज़रूरी कागजात के साथ स्कूल पहुँचना होगा और आगे जाकर उनका दाखिला हो जाएगा, अगर सभी कागजात सही पाए गए। लेकिन कक्षा नौवीं के बच्चों को या फिर तो एंट्रेंस टेस्ट देना होगा या फिर स्कूल वाले, हो सकता है उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लें, क्योंकि जितने भी सीट्स हैं, जितनी भी सीटों पर दाखिले होना है कक्षा नौवीं के लिए, उसके 5 गुना बच्चों का नाम लिस्ट के माध्यम से चयनित किया जाएगा और फिर जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होगा। यह स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वह बच्चों का सिलेक्शन, कक्षा नौवीं के बच्चों का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मतलब कि दूसरी से आठवीं के बच्चे सीधा लिस्ट में नाम आया, दाखिले के लिए स्कूल पहुंच जाइए, और नौवीं के बच्चे के लिए आपको भी स्कूल पहुंचना है लेकिन आपके बच्चे का सीधा दाखिला नहीं होगा, स्कूल वाले या फिर तो कोई एंट्रेंस लेंगे या फिर कोई इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो आज कैसे रिजल्ट आपको देखना होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, यह बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं QR कोड, ये हमारी सबकी शिक्षा फाउंडेशन का QR कोड है। आप इसे स्कैन करके सबकी शिक्षा फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं और आपके सामने हमारा UPI ID भी आ रहा है, बैंक डिटेल्स भी आ रही हैं। आप UPI ID के माध्यम से भी या फिर बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा किए जा रहे काम से समाज में बदलाव आ रहा है, बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं, आपके बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो रहा है, तो हमारी मदद ज़रूर करिए। याद रखिएगा, आपकी ही मदद से हम यहाँ तक पहुँचे और आपकी ही मदद से हम आगे जाएंगे। अब जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि रिजल्ट कितने बजे निकलेगा और रिजल्ट कैसे देखा जाएगा इत्यादि, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन समय नहीं बताता कि हम इतने बजे रिजल्ट को घोषित करेंगे, तो आप चिंता मत करिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। हमेशा की तरह ये जानकारी आपके लिए सही समय पर लाती रही हूँ, और रिजल्ट को कैसे देखना है यह भी मैं आपको बताऊँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे रिजल्ट आप देख पाएंगे। और उसके बाद अगर आपके बच्चे का नाम अगर आ जाता है लिस्ट में, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में, तो आप इस महीने के अंत तक अपने बच्चे का दाखिला भी करवा पाएंगे। लेकिन पहले रिजल्ट आ जाए और बाकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं फिर आपको बताऊंगी। आप सभी को कहना चाहूंगी ऑल द बेस्ट, आपके बच्चों का बढ़िया बढ़िया स्कूलों में दाखिला हो, यही मेरा सपना है, और आपके बच्चों का बेहतर भविष्य हो, आपके बच्चे आपका और देश का नाम रोशन करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।